नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन फ्लैश। मैं तानिया। धरियाडीह क्रिकेट क्लब द्वारा धरियाडीह क्रिकेट मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल क्रिकेट मैच में खेले गए नो चांस क्लब वर्सेस इम्पॉसिबल क्लब के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने रोमांचक खेल के साथ दर्शकों को उत्साह देखने को मिला गया। क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा कि आज का विनर मिशन इम्पॉसिबल क्लब ने 12 ओवर से 112 रन की बेहतरीन पारी खेली है। नो चांस क्लब को 10 रनों से हराकर प्रथम पुरस्कार पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वहीं नीरज को मैन ऑफ द मैच सीरीज और बेस्ट बॉलर पुरस्कार से नवाजा गया। बेस्ट फील्डर राहुल कुशवाहा और टॉप बैट्समैन के पुरस्कार से सम्मानित रंजीत राजकुए ने 6 गेंदों में 6 छक्के मारने वाला इस दरियाडीह के मैदान में प्रथम खिलाड़ी रहे। आज के फाइनल टूर्नामेंट का 6 छक्कों से इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज की गई। बेस्ट फील्डर राहुल कुशवाहा और टॉप बैट्समैन के पुरस्कार से सम्मानित रंजीत राज ने 6 गेंदों में 6 छक्के मारने वाला इस दरियाडीह के मैदान में प्रथम खिलाड़ी रहा। आज के फाइनल टूर्नामेंट का 6 छक्कों से इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजसेवी संजीत पांडे, सुरेंद्र विश्वकर्मा, केडी कैंपस के अध्यक्ष राजेश पांडे, सन्नी विश्वकर्मा, बंटी विश्वकर्मा, चंदन कुमार राम उपस्थिति के साथ खिलाड़ियों को अपने हाथों से के बीच पुरस्कृत किए गए। विनर को 2000 और रनर को 1500 रुपये केडी कैंपस के अध्यक्ष राजेश पांडे और सुरेंद्र विश्वकर्मा ने इनाम के तौर पर दिए। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने में अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अनुराग विश्वकर्मा, सचिव आनंद कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश पांडे की अहम भूमिका रही। आप कैप्टन के रूप में जितने भी आप अब तक फाइनल जो आप हासिल किए हैं, विनर पाने के लिए किन किन खिलाड़ियों का आपका सही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, इनको किसको सह अपना सराहना करते हैं, किन खिलाड़ियों मेरी को? मेरी टीम को जिताने में मेरे जो नीरज हैं इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो आज का हमारा मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बॉलर है, सारा अवार्ड इसने अकेले लिया है। और वन साइडेड गेम को करके एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हमारा गेम हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, बट सही समय पर आकर इसने 2 विकेट लिए और उसी टाइम हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। नो चांस को एक भी चांस नहीं मिला और मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल करके फतेह हासिल किया। और ये बताइए, जो आज टूर्नामेंट जो हुआ है, जिनके माध्यम से टूर्नामेंट हुआ है, यह टूर्नामेंट मैं सराहना करता हूँ हमारे माननीय सुरेंद्र भैया का, हमारे बिट्टू भैया का। ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट देखते हैं और धरियाडीह में अब तक जितना भी टूर्नामेंट होता आया है कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है इनसे, और हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग का सपोर्ट मिला है। क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था धरियाडीह क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें 8 टीम ने यहाँ पर भाग लिया और जिसमें आपने 2 टीमों ने यहाँ पर फाइनल का आज मुकाबला चला। नो चांस वर्सेस मिशन इम्पॉसिबल के बीच बहुत ही अच्छी मुकाबला देखने को मिला। हर माह हम लोग इस मुकाबला को यहाँ पे कराते हैं टूर्नामेंट, और जिसमें मिशन इम्पॉसिबल होटल ऑर्बिट की टीम ने जीत हासिल की। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला और कमिटी की ओर से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और विनर टीम को 2000 रुपया और रनर टीम को 1500 रुपया दिया गया। काफ़ी मेहनत किए हैं कप्तान महोदय जी, आप बताइए इसमें आपका हार का कारण क्या है? हार का कारण यही है, कहीं ना कहीं हमारी टीम कहीं पे गलती की है और हमारा भी कुछ अच्छा बॉलिंग आज नहीं हुआ, हमारे बैट्समैन लोग भी कुछ वैसा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेले हैं। यहाँ पे मैच में हार जीत तो लगा रहता है, अच्छा खेलने वाला जीतता है। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।